सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं डीजीबी जो दयानंद लॉ कॉलेज है उसके बारे में। इस पर्टिकुलर कॉलेज को हम रिव्यू करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम करते हैं वीडियो को शुरू। तो ये पर्टिकुलर कॉलेज जो है वो सोलापुर में, जो कि है महाराष्ट्र में, एफिलिएटेड कॉलेज है बाई पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर सोलापुर यूनिवर्सिटी के द्वारा। और इस पर्टिकुलर कॉलेज के हम कोर्सेज के बारे में देखने वाले कि कौन कौन से कोर्सेज पढ़े जाते हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, उन सब के बारे में। तो ये पर्टिकुलर जो कॉलेज है एस्टैब्लिश हुआ था 1964 में, एफिलिएट कॉलेज है जिससे मैंने आपको बताया। महाराष्ट्र का जो सीईटी लॉ का एग्जाम होता है वो यहाँ पे जो है एक्सेप्टेड है इस पर्टिकुलर कॉलेज में। और स्टूडेंट्स काउंट जो है अराउंड 400 के करीब है, कि ज़्यादा बच्चे हैं इस पर्टिकुलर कॉलेज में। और कैंपस साइज जो है अराउंड 63 एकर्स का है। तो आप मान सकते हैं कॉलेज बहुत ज़्यादा बड़ा है और बहुत सारी फैसिलिटीज आपको इस पर्टिकुलर कॉलेज में मिल जाती है। तो अगर आपको पर्टिकुलर कॉलेज मिल रहा है तो बिना आप सोचे समझे जो है ले सकते हैं। प्लेसमेंट फैसिलिटी वगैरह के बारे में भी अभी हम आगे देखने वाले हैं। इस पर्टिकुलर कॉलेज में जो कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं डेट इज़ PhD, LLB, BA LLB, LLM एंड लॉ। और इस पर्टिकुलर कॉलेज की ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में नहीं बताया गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि इस पर्टिकुलर कॉलेज में जो है जिसमें आपको एडमिशन लेना है, अगर इसमें तो आपको पर्टिकुलरली एक एग्जाम होता है जो कि आपको क्लियर करना जरूरी होता है, डेट इज महाराष्ट्र का सीईटी लॉ का एग्जाम। प्लस आपको 10+2 में जो है 45% मार्क्स आने चाहिए टू गिव दिस एग्जाम। उसके अलावा ये है कि आपको यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज मिलेगी इस पर्टिकुलर कॉलेज में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि गर्ल्स और बॉयज़ के लिए दोनों के लिए हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है इस पर्टिकुलर कॉलेज में। लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ है, मेडिकल हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ है, एलुमनाई एसोसिएशन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, और जिम फैसिलिटी और गेस्ट रूम वगैरह फैसिलिटी भी अवेलेबल है। उसके अलावा हम एक चीज़ और देख रहे थे कि क्या डेट इज़ कॉलेज के कुछ फोटोज और वीडियोज़। तो ये है इस पर्टिकुलर कॉलेज का ऑडिटोरियम। नेक्स्ट अगर हम देखें तो डेट इज़ द हॉस्टल, ये है कॉलेज का हॉस्टल। नेक्स्ट हमारे पास है स्पोर्ट्स फैसिलिटी, और आई थिंक से यहाँ पे एक वीडियो भी प्रोवाइड की गई है। नो, सो ये अवेलेबल नहीं है हमारे पास, बट हाँ आपको नॉर्मल पता चल जाएगा। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज इस पर्टिकुलर कॉलेज में है, एंड आप इस पर्टिकुलर कॉलेज को लेते समय जो है आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप देखोगे ये आपके वुमेन हॉस्टल की ही पूरी फैसिलिटी है। और अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और कोई और पर्टिकुलर कॉलेज का रिव्यू चाहिए तो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, stay positive, and thanks for watching. Bye-bye.